Good morning, children. Welcome to your maths class. Our next topic is less than, more than, and equal to. Now, let's understand what do we mean by this. Less than. Less than means, अगर कोई चीज किसी से कम होती है तो हम उसे बोलते हैं this is less than this. Okay. Suppose, काउंटिंग तो आपको आती है, यू नो, जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है, जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है ना. काउंटिंग में जैसे 15 पहले आता है, 30 बाद में आता है, तो वी कैन से 15 इज लेस देन 30. क्या बोलेंगे? 15 इज लेस देन 30. ओके. अब जो मोर देन मीन्स ज्यादा. अगर पहला नंबर दूसरे से ज्यादा है तो हम बोलते हैं इट इज मोर देन. ठीक है, अगर हम सपोज 15 को हमने पहले लिखा था और 30 को बाद में लिखा था तो हम बोलेंगे 15 इज लेस देन 30, है ना. अगर हम 30 को पहले लिखते हैं और 15 को बाद में लिखें तो हम बोलेंगे 30 इज मोर देन 15. 30 15 से ज्यादा है. 30 इज मोर देन 15. ओके. एंड इक्वल टू मीन्स कि अगर कोई चीज बराबर है, अगर मैं इधर भी 15 लिखूं और इधर भी 15, दैट मीन्स दीज आर इक्वल. ओके, दीज आर इक्वल. 15 इज इक्वल टू 15, राइट. ओके, और अगर मैं यहां 30 लिखूं, 30 इज इक्वल टू 30. अंडरस्टूड? अब हम करेंगे इनके सिंबल्स के बारे में. चलिए वो समझते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल. नाउ हियर आई हैव टू आइसक्रीम्स इन अ प्लेट एंड हियर आई हैव फोर आइसक्रीम्स इन अ प्लेट. ओके, अब आपको आइसक्रीम्स पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. इफ समवन आस्क्स मी कि मैं कौन सी आइसक्रीम खाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा वाली आइसक्रीम चाहिए, है ना. हेयर देयर आर फोर आइसक्रीम्स, हेयर देयर आर ओनली टू. तो आई ओपन माय माउथ दिस साइड, है ना. सपोज दिस इज माय माउथ, आई गो लाइक दिस. ठीक है, तो क्या होगा कि मुझे ज्यादा वाली आइसक्रीम खानी है, मैंने इस तरफ अपना माउथ खोल दिया ऐसे, राइट. समझ रहे हैं? तो नाउ दिस सिंबल इज, इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां कितनी थी आइसक्रीम? देयर वर टू आइसक्रीम्स. हियर देयर वर फोर आइसक्रीम्स, राइट. तो वी विल से टू इज लेस देन फोर. अब देखिए मुंह कैसे खोला था मैंने, ये अपना माउथ इधर खोला था ना, राइट. ज्यादा वाली साइड हम लोग इसको ओपन करते हैं अपने माउथ को, तो हम यहां सिंबल जो लगाएंगे ये सिंबल लगेगा. क्या सिंबल लगा? ये वाला सिंबल. ठीक है, दिस सिंबल इज लेस देन. इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम? लेस देन सिंबल. ठीक है, टू इज लेस देन फोर. आपको पता है टू फोर से कम होता है, छोटा होता है ना. तो टू इज लेस देन फोर. और सिंबल कैसे लगेगा उसका सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि यू जस्ट रिमेम्बर कि जिधर ज्यादा चीज होगी उधर यू विल ओपन योर माउथ, उधर आप अपना मुंह खोलेंगे उसको खाने के लिए, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव 6 टॉफीज हियर एंड 1 टॉफी हियर. ओके, हियर देयर आर 6 टॉफीज, हियर देयर इज ओनली 1 टॉफी. अब मैं आपको बुलाऊंगी और मैं आपको बोलूंगी कि यू कैन टेक एनी वन प्लेट. ठीक है, तो आप क्या खाएंगे? कौन सी टॉफी पसंद करेंगे? कौन सी प्लेट लेंगे आप? ऑफ कोर्स जिसमें 6 टॉफीज हैं, है ना. यू ऑल्सो लव टॉफीज ना. तो वट विल यू डू? यू विल ओपन योर माउथ लाइक दिस. इधर खोलेंगे अपना माउथ, यस और नो? 6 टॉफीज जहां हैं वहां आपने अपना माउथ खोला, राइट. सो हाउ कैन वी राइट दिस? हियर देयर आर 6 टॉफीज, आई विल राइट डाउन 6. हियर देयर इज ओनली 1 टॉफी, आई विल राइट डाउन 1. और सिंबल कौन सा लगेगा? 6 ज्यादा है, हमने इस तरफ इसको ओपन किया, दिस इज द सिंबल. ओके, दिस सिंबल इज नोन एज ग्रेटर देन सिंबल. ये क्या है? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन मीन्स जो इधर नंबर आया है, ये जो पहले नंबर है ये सेकेंड वाले नंबर से ज्यादा है. ओके, सो 6 इज ग्रेटर देन 1. 6 1 से बड़ा है. अगेन मैंने आपको बताया कि माउथ, ये सिंबल याद रखने का बेस्ट तरीका है कि यू जस्ट रिमेम्बर कि ज्यादा वाली चीज की तरफ आप अपना माउथ खोलेंगे उसे खाने के लिए, फाइन. सो 6 इज ग्रेटर देन 1. ओके, नाउ कंपेयर द टू सिंबल्स. दिस इज लेस देन. लेस देन में क्या है? छोटा नंबर पहले आ रहा है, बड़ा नंबर बाद में आ रहा है. टू इज लेस देन फोर.
दिस इज ग्रेटर देन, ये सिंबल उल्टा हो जाएगा अब. 6 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे बड़ा नंबर पहले आ रहा है और छोटा नंबर बाद में आ रहा है. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. देयर आर 3 फिश इन अ पॉन्ड एंड देयर आर ओनली 2 फिश इन अ पॉन्ड. अब आप तो फिश नहीं खाएंगे ना. हु इज गोइंग टू ईट द फिश? देयर शुड बी अ क्रोकोडाइल. यू नो क्रोकोडाइल्स ईट फिश, राइट? सो देयर इज अ क्रोकोडाइल हु इज कमिंग टू ईट द फिश. Now you tell me which pond will he go? जिसमें 3 fish हैं या फिर जिसमें 2 fish हैं? Of course he'll go towards this pond where there are 3 fish. क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है. 3 is greater than 2, right? So the crocodile comes and opens its mouth here. Okay, अब crocodile भी तो बनाना पड़ेगा, right? So here is the crocodile who comes like this and opens its mouth towards the pond which has 3 fish, right? अब इसको हम लिखेंगे. सिंबल देखिए ध्यान से. This is 3. There are 3 fish in this pond and there are 2 fish in this pond. Now 3 is crocodile का मुख उधर किधर खुला था? इधर ना. So we'll write down the symbol like this. Okay. 3 is greater than 2. अभी आपको बताया मैंने, दिस इज द ग्रेटर देन सिंबल, है ना. 3 इज ग्रेटर देन 2. अंडरस्टूड? यू रिमेंबर दैट ना. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई हैव 4 एप्पल्स इन अ प्लेट हियर एंड 4 एप्पल्स इन अ प्लेट हियर. इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं. कौन से ज्यादा हैं? दोनों ही बराबर हैं, राइट? बोथ आर इक्वल. 4 apple here and 4 apple here. So now I am confused. मुझे किधर जाना है, कौन सी प्लेट लू मैं? तो I'll take both. ठीक है, मैं दोनों प्लेट्स ले लूंगी. So what we'll do is, यहां सिंबल हम क्या लिखेंगे? When the numbers are equal, here there are 4 apples, here there are also 4 apples. Here we put the sign of equal to. Equal to का साइन आप कैसे लगाते हैं? 1 line and 2nd line. ओके, सो 4 इज इक्वल टू 4. जब आप टेबल लिखते हैं तो आप ये साइन लगाते हैं, 2 2s आर 4. यस और नो? यू रिमेंबर दिस साइन? लिखते हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू साइन. क्या होता है ये? इक्वल टू साइन. इक्वल टू मीन्स कि ये इसके बराबर है. ऐसे जब आप टेबल्स में लिखते थे 2 2s आर 4, आई विल राइट इट हियर, 2 2s आर 4 लिखते थे ना, दैट मीन्स कि जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस गेट्स इक्वल टू दिस 4. दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू. अंडरस्टूड? सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक वाज लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू. अभी हमने नंबर्स किए थे, 15 इज लेस देन 30, 15 इज लेस देन 30. आपको पता है काउंटिंग में जो नंबर पहले आएगा वो छोटा है, तो 15 30 से छोटा है. तो वी विल राइट डाउन द साइन ओवर हियर. नाउ 15 छोटा है तो इधर बंद होगा और इधर 30 की तरफ माउथ खुल जाएगा. 15 इज लेस देन 30, राइट? नाउ 30 इज ग्रेटर देन 15. अगर 30 पहले आ गया है, 30 तो 15 से बड़ा है. वी विल से 30 इज greater than 15. So we'll open the mouth this side. This is the greater than symbol. 30 is greater than 15. Okay. Here 15 and 15. So 15 is equal to 15. 15 is equal to 15. Again 30 is equal to 30. Right? So now you'll remember the signs now. Less than, greater than and equal to sign. Okay, now using this knowledge you have to do your next page of the book. And if you don't have the book, you'll just tell your parents to write on a paper, or you can tell them verbally ki this is less than or greater than. So you practice that and keep a record of your work, and whenever we meet we'll check it. Okay beta, bye bye, take care.